दोस्तों, अगर हम समय में 10 से 12 साल पीछे जाएं और वहां पर आके किसी को बोले कि भैया एक सेल्फी ले लो, तो उसका एक्सप्रेशन पता है कैसा होगा? ये सेल्फी क्या होता है भाई? ठीक उसी प्रकार से कुछ साल पहले तक वीलॉगिंग किस चिड़िया का नाम है किसी को नहीं पता था, लेकिन आज वीलॉग स्टाइल अपने चरम सीमा पे है। हर कोई व्लॉगर बनना चाहता है, हर कोई व्लॉगिंग शुरू करना चाहता है, और यही नहीं, बड़े बड़े कैमरा ब्रांड्स वीलॉग स्पेसिफिक कैमरा लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वीलॉगर्स को सपोर्ट करने वाले सारे फीचर्स हैं। आज से ठीक 1.5 साल पहले सोनी ने अपना पहला व्लॉगिंग कैमरा लॉन्च किया था, सोनी ZV-1, और इसके ऑर्गोनॉमिक्स और वीलॉग सपोर्टिंग फीचर्स की वजह से ये कंटेंट क्रिएटर्स के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। और परसों ही सोनी ने एक और नया कैमरा लॉन्च करा है जो कि इसका बड़ा भाई है, सोनी ZV-1 E10। लगता है सोनी जैसे इन लाइनअप वाले कैमरों को स्टेज वाइज लॉन्च कर रहा है। स्टेज वन जो था वो ZV-1 था, ये उन लोगों के लिए था जो अभी तक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं व्लॉगिंग के लिए और जिनको ज्यादा कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता। अब जो स्टेज टू आता है वो उन लोगों के लिए आता है जो ऑलरेडी या तो ZV-1 यूज करके कैमरा से फेमिलियर हो चुके हैं या फिर एक्सपीरियंस वीडियोग्राफर है जिनको कैमरा पहले से ऑपरेट करना आता है, और उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है ZV-1 E10। अनलाइक ZV-1 जो ZV-1 E10 लॉन्च हुआ है परसों, वो एक आपका APS-C सेंसर के साथ आता है जो कि ZV-1 का 4 गुना बड़ा है, जिसका मतलब है आपको बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और बेटर डायनेमिक रेंज मिलेगी। और यही नहीं, ये एक इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम है, बोले तो इसमें आप लेंस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, बड़ा सेंसर होने की वजह से इस कैमरे का ओवरऑल साइज भी बड़ा हो गया है, तो जिन लोगों को अभी भी कॉम्पैक्ट और लो प्रोफाइल कैमरा पसंद है उन लोगों को अभी भी ZV-1 ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगेगा। अब यार, मैं इसके फोटो वीडियो और ISO वगैरह के स्पेक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो सेंसर है वो सेम सोनी अल्फा के जो छोटे वाले कैमरे हैं A6100 A6400 एग्जैक्टली सेम सेंसर यूज हुआ है, तो इसके स्पेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है। बट फिर भी आप लोगों के मन के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे स्पेक्स दिखा दूंगा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करके इन स्पेक्स को देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसके स्पेक्स और फीचर की वजह से बहुत सारे लोग इसको सोनी A6100 या A6400 से कंपेयर करेंगे, हालांकि ये एक व्लॉगिंग कैमरा है और ZV सीरीज का कैमरा है, तो इसका कंपैरिजन ओरिजिनल ZV-1 से होना चाहिए, क्योंकि उसके काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स इस कैमरे में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जैसे कि एक प्रॉपर फ्लिप स्क्रीन का इम्प्लीमेंटेशन जो कि साइड में खुलती है। व्लॉगिंग के लिए ये फीचर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आप अपने आप को क्लियरली देख पाए, आप देख पाए कि आप फोकस में है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कैमरा के सेटिंग या मेन्यू के ऑप्शन को टच करके एडजस्ट करें, वो पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ फोकस को टच करके सेट कर सकते हैं। कैमरे का जो ऑनबोर्ड माइक है वो काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू बाकी के जो कैमरे होते हैं मार्केट में। इसमें ZV-1 वाले 3 कैप्सूल माइक सेटअप का ऑप्शन में मिलता है जो कि ऑनबोर्ड माइक है, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। ZV-1 में भी ये बहुत अच्छा काम करता था और इसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है, और साथ ही साथ में एक विंड मफ भी आता है, तो कि अगर आप हवा में कैमरा यूज कर रहे हैं और आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हवा के वुक वुक साउंड ना आए। This is how it sounds with the windscreen. This is how it sounds without the windscreen. This is how it sounds with the windscreen. और यही नहीं, इसमें सोनी का मल्टी इंटरफेस हॉट शू भी सपोर्ट करता है, जिसमें आप चाहे तो फ्लैश लाइट लगा सकते हैं, मतलब फोटोग्राफी के लिए, और इसके अलावा जो सोनी के मल्टी इंटरफेस सपोर्टेड माइक्स मार्केट में अवेलेबल है वो भी लगा सकते हैं। इन माइक्स की खासियत ये होती है कि एक तो इनमें कोई तार नहीं होती, ये सीधे आपके फ्लैश वाले माउंट पे लगते हैं और वहीं से ऑपरेट होते हैं, और पावर भी कैमरा से लेते हैं, तो ना बैटरी लगती है ना तार लगती है। वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारे मिररलेस कैमरा और DSLR में बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सोनी ने ZV-1 सीरीज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था और उन लोगों ने एक बैकग्राउंड ब्लर या डी फोकस का बटन दिया था, और वो सेम बटन आपको इस कैमरे में मिलता है। अगर आपको अपनी वीडियोज़ में बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आपको कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं छेड़नी है, बस इस बटन को दबाइए और कैमरा ऑटोमेटिकली आपके लिए बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कर देगा। दोस्तों, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर प्रोडक्ट्स के वीडियो शूट करते हैं, और हमारे नॉर्मल कैमरों में क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं और आप कुछ चीज इस तरह करके कैमरा के सामने लाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैमरा अभी भी मेरे फेस पर फोकस कर रहा है, लेकिन इसमें ZV सीरीज में ये चीज कदम है, इनके पास एक डेडिकेटेड मेन्यू है, एक ऑप्शन है जो कि इस वाले कैमरे में भी बटन पर असाइन कर दिया गया है, तो आप जैसे उस बटन को दबाएंगे और फिर आप प्रोडक्ट को सामने लाएंगे तो कैमरा झट से प्रोडक्ट पे फोकस कर लेगा, और जैसे ही आप हटाएंगे वो प्रोडक्ट छोड़ के आपके फेस पे आ जाएगा, और ये बहुत ही हैंडी फीचर है। ये तो बहुत बार हम लोगों को अपने फेस को कवर करना पड़ता है और तब जाके हमारे नॉर्मल कैमरे प्रोडक्ट पे फोकस कर पाते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आप कहीं जाएं और प्रॉपर पूरा वीलॉग ऐसे करके शूट कर दें और जब घर आएँ तो आपको पता लगे सारा ये तो ऑटो फोकस था ही नहीं, पीछे कुछ और चीज़ पर फोकस लॉग था।
सोनी के साथ ये दिक्कत नहीं है, हम सोनी के साथ आँख बंद करके रिलाई कर सकते हैं ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस पे, और सेम ऑटो फोकस परफॉर्मेंस आपको E10 में भी मिलती है। इसमें आपको सारे फोकस ट्रैकिंग फीचर, फास्ट फोकसिंग और आपको IAF ह्यूमन एनिमल सब मिलते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। दोस्तों जब हम व्लॉग करते हैं तो हम तरह तरह की लाइटिंग कंडीशन से गुजरते हैं, हम कई बार अंधेरे में चले जाते हैं, कई बार उजाले में आ जाते हैं, तो इसमें एक फेस प्रायोरिटी फीचर है, अगर आप उसको ऑन करते हैं तो कैमरा आपके फेस को हमेशा प्रायोरिटी देगा। आप किसी भी कंडीशन में, अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो भी कैमरा कुछ ऐसी सेटिंग बनाएगा कि आपका फेस ब्राइट रहे, और अगर आप उजाले में आएंगे तो भी कैमरा प्रॉपर एक्सपोजर आपके फेस पे रखेगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हमारी वीडियोज़ के लिए। अदरवाइज हमको जाके मैनुअली हर बार सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है अपने कैमरा में जब हम अलग अलग सिचुएशन में जाते हैं। कुछ लोगों को स्किन स्मूथनिंग बहुत पसंद है, ब्लेमिशेस हटाना, स्पेशली जो फीमेल हमारी कंटेंट क्रिएटर है वो थोड़ा सा फिल्टर विल्टर यूज़ करना पसंद करती है, तो इस कैमरे में बिल्ट इन स्किन स्मूथनिंग फिल्टर है जो मल्टीपल सेटिंग्स के साथ आता है। आप अपने स्वाद के अनुसार वो सेटिंग डायल कर सकते हैं और आपको स्किन स्मूथनिंग मिल सकती है। अगली बढ़िया चीज़ है टेली लाइट। टेली लाइट बोले तो जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके सामने एक छोटी सी LED लगी हुई है रेड कलर की, वो ब्लिंक करती है, वो जलती है, तो उसको लग जाता है कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और यही नहीं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक रेड कलर का डब्बा सा आ रहा होता है जो बताता है कि आपकी वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है। इसमें आपको OSS के साथ साथ EIS भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और ये दोनों लेंस और EIS मिलके आपको काफ़ी अच्छा स्टेबल फुटेज देते हैं, स्पेशली जब आप मूव कर रहे हो। बट हाँ, 1.4 टाइम का आपको क्रॉप देखने को मिलता है जब आप EIS यूज़ करते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहें तो आप पोस्ट में भी EIS को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा के अंदर जायरो डेटा सेंसर हैं जो बेसिकली सारा मूवमेंट का डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं, और एडिटिंग के टाइम में आप वो सारा डेटा एक सोनी का कैटलिस्ट ब्राउजर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाल के और अपने फुटेज को एडिटिंग में आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार फीचर है जो अभी हमारे A6100 A6400 में नहीं है। A6600 में तो सेंसर शिफ्ट आता है तो उसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक और बढ़िया चीज़ जो इसको A6100 से बेटर बनाती है वो है पिक्चर प्रोफाइल। हमारे A6100 कैमरा में हमको S-Log वगैरह नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको S-Log, HLG, Cine आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो जिन लोगों को कलर ग्रेडिंग का शौक है उनके लिए भी ये मज़ेदार कैमरा है। दोस्तों कंटेंट क्रिएटर बहुत बार लाइव जाते हैं और लाइव जाने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो मोस्टली हम मोबाइल पे जा रहे थे, लेकिन सोनी ने इन कैमरों के साथ वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। आप इन कैमरों को लेके लाइव जा सकते हैं, सेटअप बहुत ही आसान है, आपको बस USB केबल लगानी है, कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, कंप्यूटर में इनका इमेजिंग एच वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और वन टच सब कुछ ईजी है, और आप लाइव जा सकते हैं हाई क्वालिटी वीडियो फुटेज के साथ। और दोस्तों यही नहीं, ये कैमरा प्रॉपर वर्टिकल शूटिंग सपोर्ट करता है, तो अगर आप टिकटॉक या टकाटक या इसी टाइप की रील्स वील शूट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस कैमरे से कर सकते हैं। हमारे A6400 में हेडफोन जैक नहीं आता, लेकिन इस कैमरे में, व्लॉगिंग वाले कैमरे में आपको प्रॉपर हेडफोन जैक मिलता है जिससे आप अपने ऑडियो की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ZV-1 की तरह ये भी आपकी जो सोनी की ब्लूटूथ व्लॉगिंग स्टिक आती है उसको सपोर्ट करता है, तो ये ब्लूटूथ के थ्रू ही आपके कैमरे से कनेक्ट होता है, कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, और इस स्टिक में बहुत सारे डायल हैं, आप फोटो मोड, रिकॉर्ड, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, आप जूम को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये स्टिक को आप व्लॉगिंग के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, प्लस ये टेबल टॉप ट्राईपॉड भी बन जाती है। दोस्तों कंटेंट क्रिएटर व्लॉगर्स कई बार जल्दी से स्विच करना चाहते हैं कि अभी हमको फोटो लेनी है या फिर हमको वीडियो लेनी है या फिर हमको स्लोमो लेना है, और हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हम कोई ऐसा शॉट देख रहे होते हैं जो हो सकता है कि अगले 5 सेकंड में हम मिस कर दें, तो उसको कैटर करने के लिए सोनी ने इसमें मोड डायल तो नहीं डाला है लेकिन एक वन टच ऑप्शन बटन डाल दिया है, तो आप जैसे ही उस बटन को टच करते हैं आप फोटो, वीडियो या स्लोमो मोड को टॉगल कर सकते हैं और झट से उस मोड में आके अपना शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और आप शॉट भी मिस नहीं करेंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त है इस कैमरा की यार, मतलब एक फुल चार्ज में आपको 440 फोटोज और लगभग 80 मिनट की कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि लगभग 1.5 घंटे का हो गया टाइम। तो इतना छोटा सा कैमरा और इतना अच्छा बैटरी बैकअप, इट्स गुड। प्लस ये USB चार्जिंग भी सपोर्ट करता है दोस्तों, तो अगर आपके पास एक ही बैटरी है तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको बस एक पावर बैंक लेना है, जब भी आप कैमरा यूज़ ना कर रहे हैं उसको पावर बैंक लगाएं और आपका कैमरा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम फीचर्स को देखें तो ये कैमरा इस वक्त A6100, A6400 और ऐसे और भी कैमरों से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि एक तो इसमें प्रॉपर फ्लिप स्क्रीन है जो माइक के सामने नहीं आती है, इसमें आपको EIS और जायरो डेटा का ऑप्शन मिलता है जो कि और किसी कैमरे में भी है ही नहीं, इनफैक्ट A6600 में भी नहीं है, सेंसर शिफ्ट है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, बट देन इट्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर। और जो अगली चीज़ है वो है हेडफोन जैक, मतलब अगर आपको हेडफोन जैक चाहिए तो आपको A6600 खरीदना पड़ेगा, जो कि हम लोगों को पता है कि कितना महंगा है, लेकिन इस व्लॉगिंग वाले कैमरे में आपको हेडफोन जैक भी मिलता है। और यही नहीं,
बेचारे A6100 वाले यूजर्स जो पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हैं उनको उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन इस कैमरे में प्रॉपर पिक्चर प्रोफाइल भी आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग कैमरा लग रहा है देखने में ऑन पेपर। अब इस कैमरे में क्या क्या नहीं है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस कैमरे में ND फिल्टर मिसिंग है, जो कि ओरिजिनल ZV-1 जो था उसमें ND फिल्टर था, और ND फिल्टर बहुत यूज़फुल होता है हमारी फोटोज़ वीडियोज़ में बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट करने के लिए, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं आउटडोर में सन में, तब ND फिल्टर का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो इस कैमरे की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट A6100 जैसी मिलेगी या A6000 जैसी मिलेगी, थोड़ी प्लास्टिक की प्लास्टिक। बुरी क्वालिटी नहीं है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है, लेकिन हाँ वो एक ड्यूरेबिलिटी वाला जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आता। वहीं पे अगर हम A6400 की बात करें या A6600 की बात करें, तो ये कैमरा आपको वही एल्युमिनियम अलॉय से बनाए हुए हैं प्लस वेदर सील है, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है। इन कैमरों को आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे अपना ये जो E10 है, अगर हल्की सी बारिश हो गई तो आपको उसको बंद करके भागना पड़ेगा, क्योंकि ये वेदर सील बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस कैमरे में मिसिंग है वो है EVF। EVF हमारे फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और कई बार जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तब डे टाइम में वीडियोग्राफर्स भी उसको यूज़ कर लेते हैं। EVF एक सबसे बड़ा मिसिंग फीचर है जो इसको बाकी कैमरों से अलग कर देता है। आपको A6100, A6400, A6600 सब में EVF मिलेगा, इसमें EVF नहीं है। ZV-1 में भी EVF नहीं था। ऐसा नहीं है कि EVF के बिना आप फोटो नहीं ले पाएंगे, आप स्क्रीन में देख के फोटो ले सकते हैं, लेकिन एक जो ऐसे करके फोटो लेने में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो स्पीड आप अचीव कर सकते हैं, वो इस तरह से फोटो लेने में आपको नहीं मिलेगी। हालांकि EVF ना होने की वजह से इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, और प्लस बैटरी टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है, जो कि अगेन इट्स अ प्लस। तो दोस्तों ये कैमरा इंडिया में लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो US में ये $799 का है, जो कि लगभग 60,000 के आसपास होता है। मेरे हिसाब से ये कैमरा जब इंडिया में लॉन्च होगा तो A6100 का जो दाम है उससे 2 से 4 हज़ार कम ही रहेगा। इस कंडीशन में ये एक बहुत अमेजिंग कैमरा बन जाता है। सोनी ने एक बहुत ज़बरदस्त कैमरा लाइनअप क्रिएट कर दी है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में सोनी इसी लाइन के अंदर एक फुल फ्रेम मॉडल भी ऐड करेगा। और अगर आप देखें तो सोनी के पास ऑलरेडी एक A7C है, जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है और कॉम्पैक्ट कैमरा है। अगर सोनी उसमें से EVF हटा दे, उसको थोड़ा सा और ट्रिम कर दे और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह डाल दे, तो उसमें पूरा पोटेंशियल है फुल फ्रेम व्लॉगिंग कैमरा बनने का। आप इसको प्रेफर करेंगे सोनी A6100 या A6400 के ऊपर या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो वो मत बताओ, वो मेरे को पता है कि क्यों करेंगे। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गाइस हैव फन एंड टेक केयर। Bye-bye.